हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोगों का निशांत भैया। और आज हम लोग बात करेंगे 9.5 लेक्चर में ड्रिल डाउन डोनट चार्ट के बारे में। सो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि डोनट चार्ट, इससे पहले भी हम लोगों ने यहां पर डोनट चार्ट बनाया हुआ है। ये डोनट चार्ट जो है सिंपल डोनट चार्ट नहीं है, ये आपका ड्रिल डाउन डोनट चार्ट है। एक्चुअल में आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग को शो हो रहा है ये एक नॉर्मल डोनट चार्ट की तरह शो हो रहा होगा, बट आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक मेरी कैटेगरी के बाद जो नेक्स्ट ओपन होगा वो मेरा सब कैटेगरी ओपन होगा। देन सब कैटेगरी के बाद जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट नेम ओपन होगा। तो इस तरीके से आपको तीन डोनट चार्ट एक साथ एक पेज में ना दिखाना पड़े, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्रिल डाउन डोनट चार्ट को यूज करते हैं। इस डोनट चार्ट को मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करना आप लोग को बताऊंगा। और ये जो डोनट चार्ट होगा ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वाला नहीं होगा, जिस पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेड वर्जन वाला होगा हम लोग यहाँ पर इसे इंपोर्ट करके देखेंगे और यूज करके देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और समझ लीजिए कि वर्क कैसे करता है। पहले मैंने कैटेगरी के अंदर क्लिक किया, उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सब कैटेगरी का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। उस सब कैटेगरी के सेक्शन के बाद भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट नेम ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे हायरार्की के फॉर्मेट में बनाकर देखेंगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको कंट्री, स्टेट और सिटी, इसको भी मैं यहाँ पे जो है क्लिक करके बताऊंगा कि पहले कंट्री का यहाँ पे डोनट चार्ट हम लोग ओपन करेंगे कि हम लोग किस कंट्री में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है। देन उसके बाद देखेंगे उस कंट्री में किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है, उसके बाद किस शहर में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है। इसमें जब ये फ्री वर्जन होता तो यहाँ पे थ्री हायरार्की बनाने का ऑप्शन आता है। यदि मैं इसके अंदर फोर्थ हायरार्की को एड ऑन करूंगा सिटी के बाद और भी यहाँ पे नीचे, तो वो हायरार्की मुझे एड ऑन करने नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर यूज करके देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रिल डाउन डोनट चार्ट को बनाते हैं। सो आप लोग मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, मैं गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक कर रहा हूँ और गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करने के बाद हमारी लाइब्रेरी जो है ओपन हो जाएगी, जहां पर हमें इम्पोर्ट करना होगा ड्रिल डाउन के डोनट चार्ट को। तो यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है लोडिंग डेटा होने पे। आप यहाँ पर जो है क्लिक कर सकते हैं सर्च पे जाके और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं डोनट चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डोनट चार्ट है प्रो वाला यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे पिन वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर किसी एक को हम लोग को यूज करना होगा रेटिंग और रिव्यू को देखते हुए। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है और दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई से जो है सर्टिफाइड है, बट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जूम चार्ट का है। एक्चुअल में जूम जो कंपनी है, जूम चार्ट्स की जो कंपनी है उसे इसे बनाया हुआ है और ये लाइसेंस वर्जन वाला है जिसको मैं आपको यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ, जिसको आप कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो पब्लिशर है जूम चार्ट है, बट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। इसके रिव्यू और रेटिंग भी ज्यादा अच्छे हैं उससे, इसलिए मैंने इसे यूज किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये लाइसेंस वर्जन वाला है, इसलिए आप यहाँ पे मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप के थ्रू यूज कर सकते हो और कई सारे यहाँ पे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए इसको मैं एड ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग को यहाँ पे जो डाउनलोड सैंपल है इसे क्रैक वर्जन करना भी आना चाहिए, जिसको मैं आपको लाइव वर्कशॉप के अंदर बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे एड ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया सक्सेसफुली इसे ड्रिल डाउन डोनट चार्ट को। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर जूम चार्ट का लेबल आप लोग को शो हो रहा है यहाँ पर, जिसको हम लोग यहाँ पे हाइड करके भी देखेंगे। इसको मैंने कैटेगरी को एड ऑन कर लिया, यहाँ पर मैंने सेल्स को एड ऑन कर लिया। नीचे आपको यहाँ पे लाइसेंस वाला वर्जन दिखा रहा और अनलाइसेंस जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे पेड फीचर है इसे ऑफ कर लेना है और लाइसेंस की सेटिंग और लाइसेंस की यहाँ पे आप डाल सकते हो। जब आप क्रैक वर्जन यूज करोगे तो यहाँ पे लाइसेंस की आपको मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पेड फीचर्स को ऑफ कर लिया है, तो जिससे मेरा लाइसेंस की जो है अभी यहाँ से हट चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे जाके पहले यहाँ पर आप जाके टाइटल वगैरह को हाइड कर लीजिए, लेबल्स वगैरह को हाइड कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर कैटेगरी मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया है, इसके अंदर मैं सब कैटेगरी को एड ऑन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है इसे भी एड ऑन कर लेता हूँ। अब आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक सिंपल सा डोनट चार्ट। इस डोनट चार्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो कैटेगरी के बाद यहाँ सब कैटेगरी शो होगी, सब कैटेगरी के बाद यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्ट के नेम भी शो हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका जो डोनट चार्ट है ड्रिल डाउन के थ्रू काम करता है। मैं बीच में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे बैक बटन दिखती है, जिससे कि मैं एक स्टेप अप चले जाता हूँ। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ जिससे अच्छे तरीके से आपको विजिबल हो पाए। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी यहाँ पे ओपन कर दी। अब मुझे प्रोडक्ट नेम दिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ अप्लायंसेस के अंदर या स्टोरेज के अंदर या फिर मान लीजिए पेपर के अंदर, तो यहाँ पर आप कितने टाइप के पेपर हैं उसके सारे प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे थ्री अलग अलग डोनट चार्ट ना बना के एक ही डोनट चार्ट के अंदर आप कई सारे जो फीचर्स इसे डाल सकते हैं। ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसलिए यहाँ पर थ्री वैल्यू भी मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ कैटेगरी के अंदर। यदि लाइसेंस वर्जन हो तो आप थ्री से ज्यादा वैल्यू भी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंट्री, स्टेट और आपको यहाँ पर कंट्री स्टेट के बाद क्या आता है सिटी,
इसको मैं यहाँ एड ऑन कर लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में और अच्छे तरीके से आए। मान लीजिए मैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर जाता हूँ जो एक कंट्री है, फिर आप लोग को यहाँ कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क इस तरीके से और अनदर कंट्रीज दिख रही है, उस कंट्री के बाद सिटी आपको दिख रही है जैसे लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। इस तरीके से आप हायरार्की के फॉर्मेट में एक नॉर्मल डोनर चार्ट की जगह यहाँ पे अपने क्लाइंट को यहाँ पर थ्री डोनर चार्ट को एक साथ एड ऑन करके दे सकते हो। इस तरीके से मैं रीजन को ऐड करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे रीजन जो है ऐड हो चुका है, बट आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेड एक्टिव मोड आएगा जिससे कि आप इसे सिक्वेंस वाइज अपर नीचे ऊपर और नीचे नहीं कर सकते हो, जिसके लिए आपको पूरा कट करना पड़ेगा, यहाँ पे रीजन को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंट्री को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं जो थर्ड ऑप्शन है सिटी उसको ऐड करूंगा, सॉरी स्टेट को मैं ऐड करूंगा। जब मैं सिटी को ऐड करने जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखिए मैं सिटी को जैसे ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मेरा पेड मोड जो है नॉट एक्टिव यहाँ पे शो हो रहा है। सो इस तरह से आप पेड मोड को जो है यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ लिमिटेशन के साथ आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर रीजन और कंट्री और स्टेट में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इंडिया जो है आपका किस तरफ आता है आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथर्न जो साउथ एशिया वाला जो पार्ट है इसमें आपको इंडिया शो हो रहा है। यहाँ इंडिया के अंदर मैं गया, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पे शो हो रहा है। जब मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूंगा या फिर उसके बाद और क्लिक करता तो सिटी भी यहाँ पे आ जाती, बट ये पेड वर्जन नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे लिमिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो आई होप आपको 9.5 ड्रिल डाउन डोनर चार्ट बनाना सीख चुके होंगे। 9.6 लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।